सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जी नरेंद्र देव जी बताइए पीछे का प्रश्न। यह हम अध्ययन कर रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में युद्ध हुआ, उसमें विश्वामित्र के सारे पुत्र नष्ट हो गए और उसमें से विश्वामित्र को अंदर ही अंदर बहुत खिंता हुई कि वही मैंने युद्ध में से पराजित हुआ हूँ इतना महान बलवान राजा होते हुए। तो ऐसे सोच करके उसका एक पुत्र बचा हुआ था, उसको अपना राज्यपाट दे करके वो तपस्या के लिए चले जाते हैं हिमालय के पार्श्व भाग में वो तपस्या के लिए जाते हैं और कई काल तक तपस्या करने के पश्चात वो तपस्या करते हैं महादेव की तपस्या करने के पश्चात कुछ वर्षों के बाद महादेव जो शिव हैं वो प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं राजा विश्वामित्र को, तो कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप बोलिए क्या आप किस कारण से आप तपस्या कर रहे हैं। तो राजा विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे अंग उपांग रहस्य विद्या और धनुर्विद्या मुझे प्रदान कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि एवं अस्मि। धनुर्वेद है ना, जो धनुर्वेद मांगा इन्होंने, जैसे चार वेदों के उपवेद है ना, आयुर्वेद जैसे ऋग्वेद का है ऐसे धनुर्वेद उपवेद है और उसके अंग उपांग। तो भगवान शिव बोलते हैं कि एवं अस्तु, जब ऐसे प्राप्त किए धनुर्विद्या, पुनः धनुर्विद्या को प्राप्त करके उसके अंदर फिर से वो घमंड आने लग गया कि फिर से मुझे प्राप्त हो गया ये धनुर्विद्या। ऐसे करके तीन वरदान मांगे उन्होंने, एक तो विद्या का मांग लिया और दूसरा अस्त्रों का मांगा। जी अस्त्रों, मनुष्यों के पास, देवों के पास, दानवों के पास, यक्षों के पास, राक्षसों के पास जो भी अस्त्र हैं वो सब मुझे मिले। और तीसरा, जो मैं चाहूं वो मेरे लिए हो जाए। तीन मांगे है ना, ये इसमें 17 नंबर श्लोक में आया ना, तव प्रसादात् आपकी कृपा से देव देव ममेप्सितम भवतु, जो मैं चाहूं वो हो जाए। तो तीन वरदान मांग लिए तो कुछ तो बचा ही नहीं फिर जी। उसके बाद उसके अंदर में फिर से वो अभिमान घमंड जागृत होने लग गया। पुनः वो महर्षि वशिष्ठ के वो सोचा कि अब तो वशिष्ठ तो बचने वाला है नहीं, मरा ही समझ जाओ। तो ऐसा सोच करके फिर वो तपोवन में जाकर के जहाँ वशिष्ठ की कुटियाई थी वहाँ जाकर फिर से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लग गया। शस्त्रों का प्रयोग करने से वहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब अलग अलग दिशाओं में इधर उधर भागने लग गए और वहाँ जितने भी पशु पक्षी थे वो भी इधर उधर भागने लग गए। बस ऐसा वो अस्त्र शस्त्रों का वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो बस इसी का हम स्वाध्याय कर रहे थे जी। तो ये देखो, ये पावर का कितना एक वो दिखाया है कि जब व्यक्ति के पास पावर आती है तो उसके साथ ही साथ क्या आ जाता है,
अहंकार भी आ जाता है, दर्प भी आ जाता है, तो क्या पावर प्राप्त नहीं करनी चाहिए? क्या फिर पावर से दूर रहना चाहिए? करनी तो चाहिए, लेकिन साथ में आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए व्यक्ति को। अकेली पावर विनाश करती है, उसके साथ आध्यात्मिकता हो, विनम्रता हो, उसमें भगवान को यदि केंद्र में रखा जाए तो फिर व्यक्ति सोचता है कि सब भगवान का ही है, मेरा तो है नहीं कुछ, उन्होंने दिया है तो उन्होंने अपना निमित्त मुझे बनाया है, तो फिर व्यक्ति विकास करेगा, और वो नहीं है तो फिर विनाश करेगा। तपस्या तो काफ़ी की इन्होंने, पुरुषार्थ में तो कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन दर्प साथ में जुड़ गया। तो साधक को बिल्कुल ऐसे भी नहीं रहना है, बिल्कुल मरा खिरा जैसे, और उसकी सांस भी ठीक से नहीं आ रही है, ऐसा चला भी नहीं जा रहा है, सुखा दिया, कांटा कर दिया शरीर को, तो वो भी ठीक नहीं। गीता में भी ऐसे तप की निंदा की है, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग नहीं किया फिर ऐसे व्यक्ति ने, तो वो स्वयं ही एक समस्या बन गया समाज के लिए। ऐसा कमजोर है, ऐसा रोगी है, बीमार है, तन से कमजोर है, मन से भी कमजोर है, और कहीं छिपके बैठा है, फेस नहीं कर पा रहा है माया की, अनित्यता की जो सच्चाई है उसको, तो उसका भी फिर ज्यादा फल नहीं मिलेगा। और किसी व्यक्ति ने बहुत व्यायाम प्राणायाम आदि करके, सेवा आदि करके बहुत शक्ति अर्जित की है, लेकिन उसके पास फिर विनम्रता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो वो फिर विनाश करने की सोचेगा। तो इससे तीसरा रास्ता है फिर साधु सन्यासी या ब्रह्मचारी, उसके लिए तीसरा रास्ता ये है कि पावर तो उसके पास सर्वोत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए। जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं वो अच्छे लोगों के पास होनी चाहिए। धरती के ऊपर जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग वो ही हैं जो अपना भी कल्याण चाहें और दूसरे का भी कल्याण चाहें, उनको अच्छे लोग कहेंगे हम। तो जितनी भी धरती की अच्छी पावर हैं, शक्तियां हैं, वो सब ऐसे लोगों के पास होनी चाहिए, तो फिर सारी मानवता को ऊपर उठाया जा सकता है संसार को, क्योंकि संसार को आज ऐसे लोगों की तलाश है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ना कि मेरे को मेरे जैसे 100 व्यक्ति मिल जाएं तो मैं बदल सकता हूं धरती को, ऐसे ही महर्षि दयानंद भी कहते थे, और वो लिस्ट आज तक पूरी नहीं हुई। आज भी यही बात है, अगर ऐसे जगे हुए जो पूर्ण पुरुषार्थी, पूर्ण निराभिमानी, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण भक्त, मतलब एक तरह से पूर्णता को प्राप्त हुआ व्यक्ति, ऐसे ऐसे यदि 100 व्यक्ति हों तो फिर सारी धरती को, मानवता को उबारा जा सकता है, संकट से निकाला जा सकता है, सुखी किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। उससे पहले परिवर्तन नहीं हो सकता है, पूर्ण पुरुष ही परिवर्तन करता है, ये सच्चाई है। इस धरती पर एक बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ तो वो गुरु नानक देव जी के आने से हुआ, एक बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के आने से हुआ, महर्षि दयानंद के आने से हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक आकर्षण पैदा होता है लोगों में उनके व्यक्तित्व को देख करके, और वो उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और बाकी जितने भी समाज सुधारक नेता जो दंभ भरते हैं कि भाई हम सुधारेंगे देश को, हम सबको साक्षर बनाएंगे, वो पता लगता है कि कभी कभी वो ही जेल में चले जाते हैं। कभी कभी जो दुनिया को सुधारने के लिए गए थे, कभी दुनिया उनको सुधार देती है फिर। तो ये बहुत बड़ा सत्य है कि व्यक्ति जब तक पूरी पावर को प्राप्त करे, और पूर्ण वो ज्ञानी हो, भक्त हो, कर्मयोगी हो, सेवक हो, निस्वार्थ हो, आध्यात्मिक हो, और इसी काम के लिए आप सब लोगों का आह्वान किया था स्वामी जी महाराज ने कि वो लिस्ट शायद आज पूरी हो जाए, आज यदि पूरी हो जाए तो भी दुनिया को बदला जा सकता है। जब एक श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने जीरो से अपनी यात्रा शुरू करके, उनको कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था,
और इतना बड़ा लोक कल्याण किया जा सकता है, इतने लोगों के माइंड को चेंज किया जा सकता है, इतने लोगों को सुबह सुबह उठ करके व्यायाम प्राणायाम सिखाया जा सकता है, तो ऐसे ऐसे यदि 100 सन्यासी ब्रह्मचारी तैयार हो जाएं, तो कितना बड़ा रिजल्ट आएगा? 100 गुना ज्यादा आएगा, जितना अब आया उससे 100 गुना ज्यादा। तो हर व्यक्ति को अपनी उन पावर्स को जगाने की आवश्यकता है, और वो एक एक पल में जागती हैं। एक एक पल का जो जीवन है व्यक्ति का, देखो प्रकृति ने, प्रकृति कहो या भगवान कहो, भगवान ने हमें 2 दिन बहुत बड़ी दे रखी है, हम सबको दे रखी है। एक कहें तो बुद्धि, और उस बुद्धि को यदि 2 पार्ट में मैं बोलूं तो उसके 2 भाग हैं, एक स्मृति एक विस्मृति, दोनों हैं उसमें बुद्धि में। तो स्मृति एक ऐसी शक्ति है कि जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो हमें हमेशा याद रहे, वो तब भी याद रहे जब हमारे शरीर पे कोई संकट आता है, हमारे मन पे कोई संकट आता है, हमारी भावनाओं पे कोई संकट आता है, मतलब जो हमने बना रखा है अपना एक, उसके ऊपर जब कोई प्रहार होता है उस समय भी वो स्मृति बनी रहे कि मैं किस उद्देश्य के लिए घर से बाहर निकला था। उस समय तो भूलते हैं हम, और तभी हम कहते हैं कि मैं तो फिर छोड़ के जा रहा हूँ। जब व्यक्ति की किसी वीकनेस के ऊपर प्रहार होता है तो व्यक्ति भूल जाता है फिर कि मैं किस लिए यहाँ आया था, किस लिए मैंने इस जीवन का संकल्प लिया था। तो उस समय भी ये स्मृति बनी रही, तो ये इस शक्ति का सदुपयोग है। अर्जुन ने यही तो बोला, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, स्मृति उसको बनी रहती है हर समय, युद्ध करते समय भी स्मृति बनी ही रहती है। तो हर प्रतिकूलता में वो स्मृति बनी रही कि मेरा जन्म एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तो ये छोटी मोटी प्रतिकूलताएं, छोटे मोटे संघर्ष, छोटे मोटे दुख कष्ट, छोटे मोटे अपमान, ये कोई मायने नहीं रखते हैं मेरे उद्देश्य को पूरा करने में। इतनी छोटी छोटी चीजों से विचलित होके यदि मैंने रास्ता चेंज किया तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और मेरे लिए नहीं, मानवता के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो मुझे पलायन नहीं करना है। और एक है विस्मृति, वो भी बहुत बड़ी शक्ति है। अगर व्यक्ति चीजों को भूले नहीं, बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी तो हमारी इच्छा होती है कि जी हमें कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए जो हमें पिछले जन्म का भी बता दे कि हम कहाँ थे, क्या थे, आगे का भी बता दे। फिर कुछ लोग तर्क करते हैं, बोल जी क्या ये संभव है, पिछले जन्मों का जानना संभव है? आपका क्या मानना है, आपसे पूछो तो, संभव है कि नहीं है? हैं? अच्छा, सारे एक स्वर में बोल रहे हो आप तो। संभव इसलिए है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, उसके ऊपर एक बार जो संस्कार बन गया ना, वो कभी हटेगा नहीं। जब तक कि हम कोई खास साधना करके उसको हटाना ना चाहें, तब तक नहीं हटता है वो सदा सदा के लिए लिखा गया वहाँ पे, वो संस्कार बन गया। तो पिछले जन्म की भी सारी स्मृतियाँ हैं, उससे पिछले के भी हैं, करोड़ों जन्मों की स्मृतियाँ हैं हमारे अंतःकरण में, जो अवचेतन मन है। इसीलिए तो वो 9 गुना बड़ा है। 9 गुना बड़े का मतलब साइज में बड़ा नहीं है, वो तो समझाने के लिए कहा जाता है। वो 9 गुना बड़ा इसलिए है कि इस जन्म की स्मृतियां हैं कॉन्शियस माइंड में, और इस जन्म की भी सारी स्मृतियां कहाँ हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह सुबह आपने क्या नाश्ता किया था, तो कुछ लोगों को याद करना पड़ेगा, एकदम से याद नहीं आएगा। चलो हो सकता है कल का आ जाए। मैं पूछूं पिछले मंगलवार को आपने क्या नाश्ता किया था, तो फिक्स कर रखा होगा। तो इसलिए आपकी स्मृति अच्छी है। चलो ये बताओ, पिछले मंगलवार को आपने रामायण में क्या पढ़ा था? वो फिक्स नहीं है, वो याद भी नहीं है।
तो हमें इस जन्म की भी सारी स्मृतियां याद नहीं रहती हैं, और हैं तो सही, तो ये बहुत छोटा है। ये तो इस जन्म की चलो ये मान लेते हैं सारी याद रहती हैं, तो भी ये दसवां भाग है कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस इससे 9 गुना ज्यादा बड़ा है। तो उसमें जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां हैं। आप ये समझ लो जब से सृष्टि बनी थी ना, तब से लेकर के और आज तक जितने भी संस्कार बने वो सारे ही हैं, पर ये प्रकृति की व्यवस्था है कि वो विस्मृत करवा देती है। अगर वो सारी की सारी स्मृतियां याद रह जाएं, तो फिर व्यक्ति का जीना असंभव हो जाएगा। इस जन्म के भी नहीं रहती हैं, कितने दुख कष्ट आए जीवन में, तो वो प्रकृति उनको भुला देती। ये ऐसा ही है जैसे हम अपने घर में कोई सामान लाते हैं, तो जैसे नया सामान आता है तो पुराने वाले को समेट के उसमें डाल देते हैं। एक सबके घर में होता है ना कबाड़ रखने का, कबाड़ खाना, क्या बोलते हैं, स्टोर रूम, उसमें डाला अंदर और ताला लगाया, वो दिखे नहीं। ऐसे ही प्रकृति भी करती, जो हमारे लिए अनावश्यक है वो उधर डाल देती है नीचे, और उसको विस्मृत करवा देती है। जितना आवश्यक है उतना बच जाता। कितने शास्त्र पढ़े आपने, वो सारे के सारे कहाँ उपस्थित हैं? उनमें से कुछ चीज जो आपकी बुद्धि के अनुसार आपको अच्छी लगी वो आपकी स्मृति में रहती है, बाकी तो विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं आप। तो ये जो शास्त्र स्मरण करने वाले हैं और जो भूल जाने वाले हैं, वो ये मत सोचना कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भूल जाते हैं। इस समय तो आपको स्मृति रखनी चाहिए, जो याद रखना है उसकी तो स्मृति बनी रहे, और जो भूल जाना चाहिए उसकी विस्मृति हो जानी चाहिए। माने ठीक ठीक सदुपयोग करना चाहिए, उल्टा पलटा नहीं करना चाहिए। आदमी जो भूल जाने योग्य है उसको तो भूलता नहीं है, उसको तो खींच के रखता है, कई कई दिन, कई कई सप्ताह, कई कई घंटे, उससे परेशान भी होता है। तो विस्मृति का सही सदुपयोग नहीं करता है, और जो याद रखना चाहिए उसको भूल जाता है, तो स्मृति का भी ठीक सदुपयोग नहीं करता है। अगर कोई हमें हिप्नोटिज्म में लेके जाए ना, तो बहुत आसानी से पिछले जन्मों की वो सारी बातें हमारे से बुलवाई जा सकती हैं, किसी से भी। एक खास उसकी प्रक्रिया है, तो वो वाली फाइल खुलेगी और आप वही बोलोगे जैसे कि वो घटना आज ही घट रही है आपके जीवन में, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति को इस जन्म की स्मृतियां ही परेशान किए दे रही हैं, तो ये भगवान की अच्छी व्यवस्था है, तो उसको जानने की जरूरत नहीं है पीछे क्या थे, आज क्या है, इसको जानने की जरूरत है और आगे क्या होना है हमारे को। ये स्मृति बनी रहनी चाहिए कि मेरा जन्म, आप पीछे जाओगे तो जो चीजें हम आज कर रहे हैं ना, ये पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके पीछे पता नहीं कितनी बार दौड़ चुके हैं, राज भी दौड़े जा रहे हैं हम उसी के पीछे। ये सारे इंद्रियों के जो आकर्षण हैं, इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रिय विषयों के जो सुख हैं, खाना पीना सोना, ये सारे विषय तो हैं, ये पता नहीं कितनी बार तो कर चुके, आज भी वही किए जा रहे हैं हम। तो ये स्मृति का फायदा है। अगर व्यक्ति को ये स्मृति बनी रहे कि भाई ये कितनी बार कर चुका, इसके लिए अगला जन्म हुआ था, इसको हटाने के लिए आज भी वही किए जा रहा हूँ, ये क्या पागलपन है, तो व्यक्ति हटा देगा। फिर कल भी इससे दुख पाया था ये करके, परसों भी दुख पाया था, तरसों भी पाया था, पिछले जन्म में भी पाया था, आज भी वही कर रहा हूं, तो फिर तो आज का नया दिन, नया जीवन, नया जन्म मिलने से फायदा क्या हुआ, तो व्यक्ति हटा देगा। ये तो फायदा है पीछे की स्मृति होने का, और नुकसान ये है कि यदि नहीं हटा पाए तो व्यक्ति उससे मतलब भाई मैं तो हूं ही ऐसा। दो तरह के व्यक्ति होते हैं ना, तो उनकी एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, उनका कोई दोष उनके समझ में आए तो बोले ठीक है जी ये गलती हो गई, पर अब आगे इसको नहीं करेंगे, तब तो गलती समझ में माना, अच्छी बात है। और एक ऐसे होते हैं गलती समझ में आ गई फिर बोल जी मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे को स्वीकार कर लो ऐसा ही, तो फिर वो गलत हो गया क्योंकि उसने तो हिम्मत ही हार दी। तो यहां पर विश्वामित्र जी को पावर तो मिली
लेकिन पावर के साथ दर्प आ गया तो वो उस सारी पावर को मिट्टी में मिला देने जैसा है, फिर इतने साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो नहीं आना चाहिए। तो ये स्मृति बनी रहे, और पावर तो बहुत ज्यादा प्राप्त करनी चाहिए। तो इसमें आएगा भी एक आ जाएगा शायद, उपनिषदों में भी आता है ना, ये मैं कल ही पढ़ रही थी, जैसे वहां पर आता है ना उपनिषद में ब्रह्म बंधु, आरुणी अपने पुत्र को समझाते हैं ना श्वेत केतु को, तो वो इंतजार करते रहे कि इसको विद्या अध्ययन के लिए तभी भेजेंगे जब इसकी इच्छा हो विद्या प्राप्त करने की। तो 10-12 साल हो गए वो अपना खेलता कूदता रहा, गुरुकुल में जाने का नाम ही ना ले। कृष्ण भगवान भी ऐसे ही करते थे, बोले हम तो अपनी गैया चरा लेंगे, अपने को कोई पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं लेना देना। बच्चों का स्वभाव ऐसा ही होता है, शायद आप लोगों को स्कूल में ना एडमिट करवाया होता तो आप लोग भी ऐसे घूमते रहते, और आज भी मतलब घूमने के लिए तैयार हैं। जब महाराज जी आए तो और कोई बात तो सूझती नहीं है, और उस घूमने वाली पर्ची को घुमाते रहते हैं जी, घुमा दो हमें, मतलब घूमने के लिए तैयार हैं, भागने के लिए, जागने के लिए तैयार नहीं है। बोल जी घूम घूम के भी तो जागृति आती है, तो परिव्राजक को तो घूमते रहना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये 12 साल हो गए ये तो गुरुकुल में जाने का नाम नहीं लेता है, तो उसको जबरदस्ती घलवाया, फिर घलवाया समझते हो भिजवाया, वहां भेजा उनको गुरुकुल में ये ग्रामीण शब्द ये कभी कभी प्रयोग करती हूँ मैं ऐसे शब्दों का। तो वहां जाके फिर उसने मेहनत की, चलो अच्छे से पढ़ के आया, व्याकरण दर्शन उपनिषद वेद उपवेद सब पढ़ के आया। जब पढ़ के आया तो बड़ी अकड़ में चले, उसको लगे भी पूरे गांव में मेरे जैसा विद्वान कौन है, विद्वानों की ये समस्या भारी होती है पढ़ने के बाद, वो अपने बराबर किसी को समझते नहीं। फिर श्वेत केतु भी ऐसे घूमने लगा, पिताजी ने सोचा ये पहले तो जा नहीं रहा था वो मुसीबत, अब चला गया तो ये हमें कुछ नहीं समझता है, ये अगली मुसीबत, ये कैसी विद्या हुई भाई जो दूसरों को कुछ समझे ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा उनको कि बेटा कोई ऐसी भी विद्या पढ़ी है आपने पहले उनको गुरुकुल जाने से पहले, हाँ जो मैं बताना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप भाई गुरुकुल में जाओ, हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ आज तक जो ब्रह्म बंधु बन करके रह गया हो। ब्रह्म बंधु का मतलब ब्रह्म ही बंधु है जिसका, माने दीनहीन भाई, और कोई सहारा नहीं है अपने पास, ना विद्या है ना बल है, तो एक दीनता की स्थिति उसके लिए प्रयोग किया है वहां पे। वैसे तो ब्रह्म किसी का बंधु बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर वहां पर उस समय ये शब्द निंदा में प्रयोग किया जाता था, रामायण में भी एक जगह आया है मैंने पढ़ा था कल। तो ब्रह्म बंधु बन करके हम ना रहे, मैं ये कह रही हूँ कि भाई हमारे तो गुरु जी हमारे स्वामी जी महाराज इतने महान हैं, इतने एक बड़े गुरु के हम शिष्य हैं बस, तो ये क्या हो गया ब्रह्म बंधु बन के रहना। वो तो हैं ही, वो तो मिल गए, फिर उसके आगे हम क्या करें, हमारा भी तो जीवन है ना। तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि भाई सब उतने ही महान बनेंगे, उसमें तो कई जन्मों के बाद भगवान किसी आत्मा को अपना निमित्त बनाता है, चुनता है उसको, लेकिन कोई ना कोई तो प्रारब्ध होगा हम सब का भी, कुछ तो लेके आए ही है ना, कुछ करने के लिए तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया ही है। तो ऐसा अपना एक लक्ष्य बना करके और व्यक्ति को निरंतर उसमें अपग्रेड होना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, और बाहर की अपेक्षा अंदर से, वो जहाँ से मैंने ये बात शुरू की थी जिस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ, अंदर से जब व्यक्ति महान बनेगा तो वो बाहर महान कार्य कर पाएगा। जो मैंने बात कही ना महात्मा बुद्ध की, गुरु नानक देव जी की, महर्षि दयानंद की, वो बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बड़ा परिवर्तन हमेशा अंदर की महानता से आएगा, बाहर की उपलब्धियां जो नश्वर हैं उनसे बड़ा परिवर्तन नहीं आता, वो तो थोड़ी ही देर में व्यक्ति फिर बहुत जल्दी गिराया जा सकता है। जो अंदर से मजबूत नहीं, जिसकी जड़ें खोखली हैं ना, उस वृक्ष को
एक हवा का झोंका ही गिरा देगा, भारी तूफान की भी जरूरत नहीं है। और जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वट वृक्ष की, पीपल की, तो बड़े से बड़े तूफान उनकी कुछ टहनियों को तो तोड़ सकते हैं पर उसकी जड़ नहीं उखाड़ सकते हैं। वो हर तूफान में अड़िग खड़ा रहेगा, तूफान आके उससे टकराएंगे, उसके ऊपर से होते हुए निकल जाएंगे, उसको उखाड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं धरती में। तो जिसकी जड़ें अंदर से भगवान में प्रतिष्ठित हैं, उस व्यक्ति को ये छोटी मोटी प्रतिकूलताएं जो हैं ये विचलित नहीं कर सकती हैं। वो अड़िग रहेगा, खड़ा रहेगा, कभी भी वो भागने की बात नहीं करेगा, वो जागने की बात करेगा, सीखने की बात करेगा वो। और उसके अंदर एक आकर्षण होगा, उसके व्यक्तित्व के अंदर लोग जाना चाहते हैं उसके पास। आप लोग आए तो आखिर मतलब आपको यहाँ का तो कुछ भी तो नहीं पता था। एक महाराज जी को टीवी पे सुन के और जो श्रद्धे स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व का जो आकर्षण है उससे आकर्षित होके तो आप सब आए, नहीं तो बाकी तो कोई संबंध था नहीं उससे अतिरिक्त। तो जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे ऊंचा उठाता है तो उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण आता है, लोग आना चाहते हैं उसके पास। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि उनके पास बहुत भीड़ होती है, कुछ ऐसे होते हैं उनके पास कोई आता ही नहीं, आकर्षण ही नहीं। कुछ हमारे ऐसे योग शिक्षक हैं, उनकी कक्षाओं में हजारों लोग आते हैं और उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। और कुछ ऐसे हैं उनके पास 10 से ज्यादा लोग आते ही नहीं, कोई आकर्षण ही नहीं। तो ये अंतर होता है हर जगह। एक कोई कपड़े की दुकान होती है वहां सब लोग कपड़ा लेने जाते हैं, एक सब्जी की दुकान है वहां सब लोग भीड़ लगी रहती है क्योंकि वो फ्रेश सब्जी देता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कस्टमर को देख के भी उसका माथा ठिणकता है तो उसके पास जाएगा कौन। तो ये व्यक्ति अपना उस तरह का आकर्षण जो बनाएगा वो अंदर से बनता है, जो अंदर से संतुष्ट है, अंदर से प्रसन्न है, अंदर से विनम्र है, अंदर से अपने अस्तित्व के आसपास है, उसके अंदर अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही है तो भी वो व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो पावर की भी साधना करनी चाहिए और साथ में विनम्रता की भी साधना करनी चाहिए। वो वशिष्ठ जी के पास है और जो कमी दिखाई दे रही है वो विश्वामित्र जी के पास है। तो ये प्रसंगवश मैंने बताई आपको कुछ बातें। कोई प्रश्न है आपका किसी का पीछे के पाठ से? जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी, यहाँ पर वशिष्ठ जी के आश्रम पर जब राजा विश्वामित्र जी प्रहार करते हैं, अस्त्र शस्त्र से वहाँ पर वार करते हैं, हाँ। तो उनके सारे शिष्य भागते हैं इधर उधर, तो शिष्य को अपने गुरु पर तो विश्वास होता है, तभी तो पता लग जाएगा आपका भी तो जब मतलब इस तरह का संकट का काल होता है तब तो अपने गुरु के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आपको वाली बात जो है ये तो भाई अब परीक्षा होगी तब पता लगेगा। हाँ। ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, कल शाम को मैं सोच रही थी कि अपने गुरु को। अच्छा तो नहीं है पर आदमी के अंदर मतलब हम सारे ऐसे ही हैं बिना अच्छे वाले। जब सब कुछ होता है तो व्यक्ति नजदीक जाना, जब थोड़ी सी कोई दिक्कत आती है भागने लगते हैं इधर उधर, फिर तो वो तो बिरले होते हैं। फल खाए इस वृक्ष के, गीले किए सब पात, धर्म हमारा यही है जलें इसी के साथ। जो कोई वृक्ष जल रहा था ना जंगल में और उस पे जो पक्षी बैठे थे तो किसी ने आके कहा, अरे आग लगी है उड़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास पंख हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस पे हम बहुत दिन बैठे हैं, इसके पत्ते हमने गंदे किए हैं, इसके फल खाए हैं, तो अब ये जल रहा है तो हम भी इसके साथ ही जलेंगे।